श्री गणेश आय नमः। प्रिय बंधुओं, पूर्व समय में एक बार क्या हुआ कि संपूर्ण जम्बू द्वीप में बड़ी ही अराजकता छा गई थी। शासक वर्ग अपने सत्ता और भोग में इतने लिप्त हो गए कि न्याय और धर्म व्यवस्था इस पृथ्वी से लुप्त प्राय हो गई। तब कुछ ऋषि और मुनियों ने क्या किया कि आबू पर्वत के ऊपर पहुँचे। उन्होंने एक महान और श्रेष्ठ यज्ञ करके अग्निदेव को प्रसन्न किया। जब अग्निदेव प्रसन्न हुए तो उन ऋषि मुनि और महात्माओं से कहने लगे कि हे पुत्रों, मैं तुम्हारे किए गए इस यज्ञ से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ? बताओ, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तब वे सभी ऋषि महात्मा तथा मुनि हाथ जोड़कर अग्निदेव से कहने लगे कि प्रभु, इस जम्बूद्वीप में चारों तरफ अराजकता छा गई है और कोई ऐसा उपाय आप करें जिससे कि धर्म की स्थापना हो सके। तब अग्निदेव ने अपने अंश से चार महान वीरों को उत्पन्न किया। उनमें जो पहला वीर उत्पन्न हुआ उसका नाम चौहान, दूसरे वीर का नाम परमार और तीसरे वीर का नाम गहरवार तथा चौथे वीर का नाम परिहार हुआ। यह कथा भविष्य पुराण में वर्णित की गई है। इसी पुराण को आधार बनाकर यह कथा आप सभी सज्जनों की सेवा में प्रस्तुत की है। बाद में इन चारों वीरों से चार वंश भी चले हैं, जो सबसे बड़े प्रतापी वीर चौहान थे, उनसे चौहान वंश चला। दूसरे जो वीर परमार थे उनसे परमार वंश चला। और तीसरे जो गहरवार नाम के वीर थे उनसे गहरवार वंश आगे चला। इसी प्रकार से सबसे छोटे जो परिहार नाम के वीर थे उनसे परिहार नाम का वंश चला है। इनमें चौहानों को कृष्ण यजुर्वेदीय कहा है, परमार सामवेदी हैं और गहरवार शुक्ल यजुर्वेदीय हैं तथा परिहार अथर्ववेदीय कहे जाते हैं। ये चारों वंश अग्निवंशी राजपूत हैं। इन चारों वंशों के शासन के समय जम्बूद्वीप में खुशहाली थी और उस समय यह क्षेत्र सोने की चिड़िया कहा जाता था। बंधुओं, जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम जी की।